दोस्तों आप सभी को तो पता है कि आज तक मैंने अपने सभी वीडियो में आप सभी को लड़की को कैसे पटाए या फिर औरत को कैसे पटाए इसके बारे में मैंने आपको तरीके बताए। पर दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपसे कोई भी औरत या फिर कोई भी लड़की पड़ जाती है तो यह तीन प्रकार की गलतियाँ आप अपने रिलेशनशिप में बिल्कुल भी मत करें। और अगर आप गलती से भी यह तीन प्रकार की गलतियाँ अपने रिलेशनशिप में करोगे तो वह औरत आपको छोड़कर कहीं दूर जाएगी और किसी दूसरे पुरुष के साथ प्रेम संबंध बनाएगी। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी औरत या फिर आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर कहीं भी ना जाए तो आज का वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले प्रकार की जो गलती है वो कौन सी है दोस्तों, कि औरत के ऊपर हमेशा रोक टोक लगाना। जी हाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई पुरुषों के अंदर एक ऐसी गंदी आदत होती है कि जब भी उनसे कोई भी औरत या फिर कोई भी लड़की पड़ जाती है या फिर उनकी शादी हो जाती है तो वह अपनी औरत के ऊपर रोक टोक लगाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमारी औरत हमारी एक प्रॉपर्टी है जिसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल तुम उस जगह पर मत जाओ, तुम उस व्यक्ति के साथ बातें मत करो, आज तुम यह साड़ी पहनो, यानी कि दोस्तों उसके ऊपर रोक टोक लगाते हैं। पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि औरतों को रोक टोक लगाने की आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और अगर आप अपने औरत के ऊपर या फिर अगर आप अपने जीएफ के ऊपर हमेशा रोक टोक लगाओगे तो वह आपको छोड़कर जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो आप इस बात को ध्यान में रखें और आप कभी भी अपनी औरत के ऊपर हमेशा रोक टोक बिल्कुल भी मत लगाना। जो दूसरे प्रकार की गलती है वो कौन सी है दोस्तों, कि अपनी औरत के ऊपर हमेशा डाउट खाना। जी हाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई पुरुषों के अंदर एक ऐसी गंदी आदत होती है कि वह अपनी औरत के ऊपर हमेशा डाउट खाते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी पुरुष की औरत किसी ऑफिस में काम करती है और वह ऑफिस से हमेशा 10 बजे घर आती है और उसको आज 11 बज गए तो वह उसको पूछता है कि तुमको 1 घंटा लेट कैसा हुआ, तुम किसी के साथ प्यार तो नहीं कर रही थी, तुम्हारा कहीं चक्कर तो चल नहीं रहा है। यानी कि वो उसके ऊपर डाउट खाता है बार बार। अगर वह किसी दूसरे पुरुष के साथ बातें करती है तो उसको ऐसा लगता है कि उस औरत का और उस पुरुष का कोई ना कोई तो चक्कर चल रहा है। और अगर उसकी औरत फ़ोन पर किसी के भी साथ गुपचुप बातें करती है तो उसको ऐसा भी लगता है कि उसका कहीं चक्कर चल रहा है और वह उसके ऊपर हमेशा डाउट खाता है। पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी औरत के ऊपर हमेशा रोज़ाना पल पल पर डाउट खाओगे तो वह आपसे ज़्यादा बोर हो जाएगी और वह आपको छोड़कर जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो दोस्तों आप इस बात को ध्यान में रख के और आप हमेशा अपनी औरत के ऊपर डाउट मत खाए। जो तीसरे प्रकार की गलती है वो कौन सी है दोस्तों, कि अपनी औरत के साथ ज़बरदस्ती सेक्सुअल इंटरेक्शन बनाने की कोशिश करना। जी हाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो आदत है ना यह बिल्कुल गंदी है। और अगर आपके अंदर यह आदत है और आप इस गलती को करते हो कि आप अपनी औरत के साथ ज़बरदस्ती सेक्सुअल इंटरेक्शन बनाने की कोशिश करते हो तो आप इस आदत को आज ही छोड़ दो। क्योंकि दोस्तों मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि अगर आप इस आदत को रखोगे तो आपकी औरत 90% आपको छोड़कर जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और यह संसार का सबसे बड़ा महाभयंकर पाप है। अगर आप किसी भी औरत के साथ ज़बरदस्ती सेक्सुअल इंटरेक्शन बनाते हो तो यह सबसे बड़ा पाप है दोस्तों। और आपके अंदर अगर यह आदत है तो आप इस आदत को आज ही छोड़ दे दोस्तों।